और बच्चे लोग, माई सेल्फ बिंदु सिन्हा, मैं फिर हाजिर हूं इलेक्ट्रिसिटी का एक नया वीडियो लेकर आपके अपने चैनल ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस पे। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे वो चार्ज था, चार्ज के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, एक स्टैटिक और एक आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे। क्लियर है, इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने क्या सीखा था, चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे एक दो। हम आज हम उसमें थोड़ा सा और इंप्रूव करने वाले, थोड़ा सा और। वो क्या है, हमने पढ़ा है एक पॉइंट को, लाइक चार्ज विल रिपेयर ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी है, उसको याद रखिएगा, आगे बहुत हेल्प करेगा। अभी फिलहाल इसको हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आखिर किस कारण से ये फोर्स लगता है दो चार्जेस पे जो आर डिस्टेंस पे रखे हो। वो फोर्स जिनके बारे में बताया गया था, वो बताए थे साइंटिस्ट कुलाम। कौन साइंटिस्ट बताए थे? कुलाम। इसलिए इस लॉ को हम लोग कहते हैं कुलाम्स लॉ, और जो फोर्स दिया गया था उस फोर्स को कहते हैं कुलाम्बियन फोर्स। ये कुलाम क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फोर्स के बारे में कैलकुलेट किया था। जो फोर्स यहां लग रहा है ना अट्रैक्शन और रिपल्सन का, वो साइंटिस्ट जिसने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया उसका नाम क्या था, कुलाम था। और जो फॉर्मूला था वो था एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और k का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कहां, एयर में। बस भी हम जितना भी पढ़ेंगे, जो भी आपके टेंथ लेवल तक का क्वेश्चन आएगा वो सारा एयर में आएगा। इसके बाद हम जब लोग ट्वेल्थ में पहुंचेंगे तो वहां जब हम लोग पढ़ेंगे वहां इसमें मीडियम्स भी आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन हम लोग यहां सिर्फ यही समझते हैं कि एयर मीडियम में अगर फोर्स अप्लीकेबल हो रहा है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां क्यू वन क्यू टू क्या है, वो चार्ज है, आर उसके बीच का डिस्टेंस है, और के का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब आपको याद होगा हमने दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी आपको बोला था, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या था, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या स्टार्ट होता है उसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन में रहता है यानी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो अब हम लोग किसको स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके पहले कुछ जानना है हमको कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो कहीं ना कहीं इसकी भी बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी आता है किसमें है, तो उसके लिए हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स को जानना है, कुछ तरह के ऑब्जेक्ट को जानना है। तो उसको हम कहते हैं, दो तरह का ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पढ़ना है फिलहाल, कंडक्टर इंसुलेटर, इन दो के बारे में हम लोग अभी फिलहाल जानेंगे। किस सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर कहते हैं और किस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। कहता क्या है कि वैसा सब्सटेंस, इंसुलेटर के बारे में बता रहे हैं वो, पहले सुनिएगा ध्यान से, वैसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो, जो अपने से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता हो, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और जो अपने से चार्ज फ्लो होने देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या हो, वैसा सब्सटेंस है जो खुद से चार्ज को फ्लो होने देता हो, यानी जिसमें से करंट फ्लो हो सकता हो। ये बातें बाकी करेंगे आगे, फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा हो, जो चार्ज को फ्लो होने दे रहा हो, वो क्या कहलाएगा आपका, कंडक्टर।
जिसने चार्ज फ्लो होने नहीं दिया वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। तो चलिए इन दोनों के बारे में लिख देते हैं, दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक, जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कुछ भी तकलीफ हो डायरेक्ट वहां कमेंट करिए, आपके डाउट का क्लियर किया जाएगा। चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है? इसका कुछ एग्जांपल, सारे मेटल्स क्या है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, सारे मेटल्स क्या है आपके? कंडक्टर हैं। सारे मेटल्स क्या है? कंडक्टर है, एक्सेप्ट ऑल मेटल्स, इसमें आ जाए एग्जांपल, एक्सेप्ट में कौन? एचजी। एक्सेप्ट में कौन आ जाएगा? एचजी। एचजी का मतलब समझते हैं ना, मरकरी। क्या? मरकरी। और एक और ले सकते हैं एग्जांपल में आप, ग्रेफाइट। क्या लेंगे? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है हमारा? कंडक्टर है। क्लियर है? ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। अब सेम हम लोग इंसुलेटर का डिफिनेशन लिखते हैं, कहता है दोज सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कांट फ्लो, कांट मतलब कैन नॉट फ्लो, इज कॉल्ड इंसुलेटर, इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें भी एग्जांपल हो जाएगा हमारा ऑल नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल, और जो यहां का एक्सेप्शन वहां एग्जांपल बन जाएगा। यहां एचजी क्या था? कंडक्टर नहीं था, इसका मतलब वो इंसुलेटर है। वो क्या है? इंसुलेटर, यानी एचजी भी यहां आ जाएगा। कार्बन से बना ग्रेफाइट कंडक्टर कहलाता है, और उसी कार्बन से बना डायमंड इंसुलेटर कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, कोई तकलीफ? तो हमारा ये टॉपिक क्या था? कंडक्टर और इंसुलेटर। हम लोग क्या पढ़े अभी? कंडक्टर और इंसुलेटर। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। चलिए मिटा दें, मिटा दें। चलिए पहले हम बातें करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तब उसके बारे में हम लोग यहां बोर्ड पे बात करेंगे, बोर्ड पर कुछ करेंगे। ये बताओ, तुम्हारे घर में भी करंट आता होगा, हमारे घर में भी करंट आता होगा, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो भी बिना करंट के नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे स्मार्टफोन में, तुम्हारे स्मार्टफोन में या हमारे स्मार्टफोन में या तुम्हारे कैमरा में अगर वो सेल नहीं होता, क्या वो करंट जनरेट होता? नहीं होता। क्या ये वीडियो रिकॉर्ड होता? नहीं होता। क्या ये ट्यूबलाइट नहीं जल रहा होता, ये बल्ब नहीं जल रहा होता, तो क्या ये वीडियो रिकॉर्ड हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसका मतलब कि अगर हमारी पढ़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं इसका हेल्प इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। क्लियर है? अब जरा सोचो, हमने घर का सारा इक्विपमेंट लगा लिया है, हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, फैन, एसी, कूलर, सारा चीज लगा हुआ है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सर, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, जो मेन वायर का कनेक्शन बाहर से आया है हाई टेंशन वायर से, उसको हमने कट कर दिया, और ना हमारे पास बैकअप इन्वर्टर है और ना ही कोई बैकअप में जनरेटर है। क्या ये सारे इक्विपमेंट चलेंगे? सोचो, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। तो क्या है कि अगर ये इक्विपमेंट नहीं चल रहा है तो क्या
क्या वायर रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए? नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल है वो सोर्स जहां से हमको उसको चलाने के लिए कुछ मिल रहा है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो इन्वर्टर हो, ठीक है, या फिर वो बाहर से जो हम लोग को लाइन से सोर्स मिलता है। और ये सारे सोर्स ही वहां पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। चलो इसको जरा समझते हैं ध्यान से। तुम लोग घर पे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कभी कभी, कि मान लो एक हमने छोटा सेल लिया, उसको कनेक्ट कर दिया वायर से, उससे एक छोटे से बल्ब को जलाया, बल्ब जलने लगा। ऐसा होता है, हम लोग करते हैं। तो आखिर वो सेल हेल्प कैसे करता है करंट जनरेट करने के लिए, इसको समझते हैं। करंट का डिफिनेशन देना कोई बड़ा बात है? वो कोई भी डिफिनेशन दे देगा, द रेट चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। पहले ये तो समझ ले करंट आ कैसे रहा है, उसको पहले जानते हैं। मान लो एक वायर है कंडक्टर का, एक वायर है कंडक्टर का, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया है हमने एक सेल से। किसे कनेक्ट किया है? एक सेल से कनेक्ट किया है। सेल में आप लोग देखे होंगे जो बाहर से बैटरी लेके आते हैं, छोटा वाला सेल, जिसको हम लोग जनरली जाएंगे जो बैटरी कहते हैं, बट वो बैटरी नहीं, वो सेल ही है। वो 1.5 वोल्ट का होता है, जिसके एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पे क्या रहता है? निगेटिव। यानी इधर 1.5 वोल्ट इधर क्या होगा? 0 वोल्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? यानी इधर प्लस है और इधर क्या है आपका? माइनस है, ठीक है, 1.5 और 0 लिखेंगे। अब जो इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा था ना भाई, लाइक चार्ज विल रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट इच अदर। चलो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आराम से पहुंच गया, यही पॉजिटिव चार्ज फिर घूम के यहां पहुंचा। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा? प्लस प्लस रिपेल करेगा, इसकी इच्छा तो होगी नहीं जाने की, ये चाहता है कि वहां जाना। लेकिन अब सोचो बाबू कि अगर ये चार्ज फ्लो ही ना हो, क्या करंट डेवलप करेगा? नहीं डेवलप करेगा, क्योंकि डिफिनेशन जो हम लोग जानते हैं, जो सीखे हैं, उसके हिसाब से कहा जाता है कि चार्ज का फ्लो होना चाहिए। लेकिन चार्ज का फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि प्लस को प्लस रिपेल कर रहा है। तो करता क्या है अब? करता यह है कि बैटरी अपने तरफ से उसको फोर्स देता है, एक इनर्जी देता है, और उसको खींच के यहां से यहां लाता है। फिर ये पॉजिटिव इसको रिपेल करता है, खींच के यहां ले आया, फिर बैटरी क्या हुआ? फिर इसको खींचा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर से घूमते हुए यहां चलाया। तो बैटरी जितनी एनर्जी उसको देती है, उतना ही एनर्जी वो चार्ज यहां करंट देता है, समझे? बैटरी जितनी एनर्जी उसको देती है, उतने ही एनर्जी से वो चार्ज यहां करंट देता है, समझे बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब करंट कैसे जनरेट होता है? बैटरी के थ्रू, यानी कोई भी पोटेंशियल के सोर्स के थ्रू। करंट कैसे जनरेट होता है? कोई भी पोटेंशियल के सोर्स के थ्रू। क्लियर है? और दूसरा चीज, ये जो सोर्स है पोटेंशियल, ये आपको उतना एनर्जी देता है ताकि आप यहां से यहां चले जाए। बाहर कैसे उसको मतलब नहीं, बाहर आपको खुद रिपेल हो जा रहा है प्लस से प्लस। वो एनर्जी से देता है कि आपको यहां से कहां तक हो जाता है? यहां तक, यानी माइनस से किधर? प्लस की ओर। समझ गए? अब इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग डिफरेंशियल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इतना ही समझना था कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल समझेंगे। अब हम लोग क्या शुरू करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे आया समझ रहे हैं हम लोग? तो अब इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन भी जान लिया जाए। क्लियर है? ठीक। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। It is the rate of
फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी क्लोज सर्किट, किसमें? क्लोज सर्किट में। और चार्ज को घूमने के लिए फोर्स कौन देता है? तो जो हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया होता है वो, उसके एनर्जी के कारण चार्ज फ्लो करता है। क्लियर है? और हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई और आई, और आई क्या होता है हम लोग का? क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी, जहां क्यू क्या है? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। ये क्या है? चार्ज, और ये क्या है? टाइम। क्लियर है? अगला देखो, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एक एम्पियर करंट क्या होता है? एक कूलाम बटा एक सेकंड। क्लियर है? एक एम्पियर करंट क्या होता है? एक कूलाम बटा एक सेकंड। ये डिफिनेशन बहुत परफेक्ट डिफिनेशन है, पहले हम बोल रहे हैं ये डिफिनेशन परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है करंट का, एक एम्पियर का। अगर ऐसा यूनिट के डिफिनेशन की सबसे कहेंगे तो ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन वो डिफिनेशन आता है मैग्नेटिज्म में। जो एम्पियर का डिफिनेशन परफेक्ट दिया गया वो आता है मैग्नेटिज्म में, जब हम लोग वहां पढ़ेंगे करंट के कारण मैग्नेटिज्म का, तो वहां हम डिफिनेशन देंगे। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि एक एम्पियर करंट कब होगा? जब एक कूलाम चार्ज एक सेकंड तक फ्लो कर रहा हो, किसमें? किसी कंडक्टर में, तो उसका करंट क्या कहलाएगा? वन एम्पियर। क्लियर है? फिर इसमें क्या कहता है? इट इज द इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। ठीक है, कहता है एसआई यूनिट में एक ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? जिसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। देखो तो एक एम्पियर के लिए क्या बोला हमने? एक एम्पियर कब होता है? जब एक कूलाम एक सेकंड तक फ्लो करे, लिखा हमने। अब बताओ एक कूलाम चार्ज का हमने बताया था नंबर ऑफ चार्ज, याद होगा आप लोग को? देखो हम लोग पहले बताएंगे कि एक कूलाम चार्ज कब डेवलप होता है। एक कूलाम चार्ज कब डेवलप होता है? जब 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी कहने का मतलब वन एम्पियर करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर फॉर वन सेकेंड, फॉर वन सेकेंड। क्लियर है? दूसरा द कहता द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इसको उठा दे, इलेक्ट्रिक करेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। यानी जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में या तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वो कि ये सेल या बैटरी के हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी रिटेन एज द इलेक्ट्रिक करेंट
विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर से किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। यानी हमेशा ये भी आपको समझ में आ गया कि जो डायरेक्शन है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, वो हमेशा किधर रहता, हायर से लोअर। हम लोग भी देख रहे थे ना जस्ट में, देखो पॉजिटिव से जो निगेटिव की तरफ जा रहा था तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जा रहा था ना, वही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है अपने से, किधर की ओर, निगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव किधर जाएगा, प्लस से माइनस, मतलब हायर से लोअर। एक और पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको भी जान लो। मान लो ये करंट है, ठीक है, यहां करंट I1 जा रहा है, यहां करंट I2 जा रहा है, यहां करंट I3 जा रहा है। अगर तुम देखोगे ध्यान से, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह डिफर है, क्या करंट भी डिफर होगा? नहीं। कहता है करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, द करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कहता क्या है कि कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कोई भी करंट डिपेंड नहीं करता, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो वो करंट क्या होगा, हर हाल में सेम रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। एक और पॉइंट लास्ट डिस्कस कर देंगे, खत्म कर देंगे इसके बाद, इस नोट कर लिए, चलिए आगे देखते। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनी द कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करेंट, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करेंट। कारण ये बाबू, तुम्हारा चार्ज स्टे नहीं कर रहा एक पॉइंट पे, वो फ्लो कर रहा है, समझो बार ध्यान से। कि मान लो अगर तुम ये कहते भी हो कि ये कंडक्टर है, इस पॉइंट का पॉजिटिव आगे चला गया, आगे की हो तो ये निगेटिव हो जाएगा, तुम्हारे कहने का मतलब हम मान लेते हैं, तो इधर का भी पॉजिटिव तो आगे इसको फिर इस माइनस को खत्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा ना, तो ये कभी भी चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ते रहें फिजिक्स। शुभ रात्रि, अलविदा, सबक है।